हेलो एवरी वन वेलकम बैक टू आर चैनल ऑटोमेशन स्ट्रेटेजिस्ट जैसे कि हमने ये सीरीज के पहले वीडियो में देखा कि कोल्ड चेन लॉजिस्टिक कैसे वर्क करता है क्या क्या उसके बेनिफिट्स है एंड ऑल ये वीडियो में हम आज जानेंगे कि कैसे कोल्ड चेन के डेटा को मैनेज किया जाए विथ मिनिमल एफर्ट्स एंड नाइन्टी नाइन परसेंटेज ऑफ एक्यूरेसी आज हम आपके लिए लेके आए हैं एल का आई क्लाउड प्लेटफॉर्म अगर आप एक कोल्ड चेन लॉजिस्टिक रन करवा रहे हैं एंड आपको अपना सारा डेटा ऑनलाइन कहीं पे बैठ के मॉनिटर करना है या फिर मैनेज करना है तो ये सॉफ्टवेयर आपके लिए है मेन बेनिफिट्स की बात करें तो ये अप्रूव्ड सॉफ्टवेयर है एंड इसमें अपलोड किए गए इलेक्ट्रॉनिक्स रिकॉर्ड्स एंड इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर को पेपर रिकॉर्ड्स या फिर हैंड रिटर्न सिग्नेचर की तरह ही ट्रीट किया जाता है एफ डी एज फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन एंड जिन लोगों के लिए ये वर्ड नया है तो आप सीधा सा ये समझ सकते हैं कि एफ डी अप्रूव सॉफ्टवेयर का डेटा रिकॉर्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड काफ़ी सारी कंट्रीज में वैलिड माना जाता है अगर बात करें और भी बेनिफिट्स की तो इसमें आपको रियल टाइम मॉनिटरिंग ईमेल वार्निंग और अलार्म हिस्टोरिकल डेटा रिकॉर्ड जैसे काफ़ी सारे बेनिफिट्स मिल जाएंगे इंटरफेस की बात करें तो ये क्लाउड प्लेटफॉर्म है एंड इसका एप्लीकेशन आपको एंड्रॉइड या फिर आईओएस के लिए भी मिल जाएगा एल के ऑलमोस्ट जितने भी वायरलेस प्रोडक्ट है उन्हें रजिस्टर करवा सकते हैं टू गेट ऑल द डेटा फ्रॉम देम चलिए स्टार्ट करते हैं एल टेक की आर सी डब्ल्यू सीरीज से इसमें आप कैसे रजिस्टर कर सकते हैं एंड कैसे आप डेटा मॉनिटर एंड मैनेज करवा सकते हैं ये सारी चीजें देखते हैं सबसे पहले बात करें तो आप स्टिंग पे शो कर रही लिंक पे जाके इसमें साइन इन करवा सकते हैं साइन इन करते टाइम आपको यहाँ दो ऑप्शन मिल जाते हैं आप एज अ कंपनी भी इसमें रजिस्टर करवा सकते हैं और एल्स एज अ इंडिविजुअल भी आप साइन इन करवा सकते हैं अगर डिफरेंस की बात करें तो आप कंपनी या फिर एंटरप्राइज में रजिस्टर करवाने से आपके लिए एक एक्स्ट्रा फीचर अवेलेबल रहता है एंड दैट इज ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट फंक्शन ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट फंक्शन में आप आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंडर सब्सिडरी कंपनीज को अपने हिसाब से ऐड करवा सकते हैं डिपेंड्स ऑन कि आपको कैसे रजिस्टर करवाना है आप दोनों में कोई सा भी ऑप्शन चूज करके साइन इन कर सकते हैं सारी ही मेंशन की हुई इंफॉर्मेशन फिलअप करने के बाद यूजर को अपनी रजिस्टर्ड मेल आई पे एक कोड आता है एंड आफ्टर एंटरिंग दैट कोड यू आर रेडी टू यूज दिस क्लाउड प्लेटफॉर्म एज पर योर प्रेफरेंस इन करने के बाद सबसे पहला स्टेप जो कि आपको करना है डिवाइस जो भी आप यूज़ करना चाहते हैं जैसे कि आपको हमने पहले भी बताया कि इसमें ऑलमोस्ट सारे ही एलिटेक के वायरलेस डिवाइसेस ऐप पे ऐड करवा सकते हैं राइट साइड अगर देखेंगे तो आपको डिवाइस लिस्ट ऑप्शन दिख जाएगा डिवाइस लिस्ट में जाने के बाद अगर आप लेफ्ट साइड देखेंगे तो ऐड डिवाइस का ऑप्शन शो करेगा आपको एड डिवाइस ऑप्शन में क्लिक करके आप अपने डिवाइस का जीओआईडी नंबर डाल के उसे ऐड करवा सकते हैं बेसिक डिटेल्स जैसे कि डिवाइस का मॉडल वगैरह ऐड करवा के आप सक्सेसफुली डिवाइस को ऐड करवा सकते हैं आफ्टर एडिंग द डिवाइस आप डिवाइस लिस्ट में जाके उसे सेटअप कर सकते हैं सेटअप की बात करें तो इसमें काफी सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे जैसे कि अलार्म सेटअप पैरामीटर सेटिंग्स और बहुत कुछ अगर सिर्फ अलार्म सेटिंग की बात करें तो इसमें आपको काफी ऑप्शन मिलते हैं जैसे कि लिव अलार्म अलार्म या फिर सेंसर लिमिट अलार्म लास्टली अगर देखेंगे तो इसमें कौन से पर्सन को नोटिफाई करना है उसका भी ऑप्शन आपको मिल जाएगा जैसे कि अगर अपने ही मोबाइल पैसे में भेजना चाहते हैं तो करवा सकते हैं या फिर आपके मेल आईडी पे भी आप नोटिफिकेशन मेल करवा सकते हैं पैरामीटर सेटिंग्स में आपको काफी सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे जिसमें कि आप अपने डिवाइस के सेंसर पैरामीटर सेट कर सकते हैं मेन सेटिंग की बात करें तो आप इसमें सेंसर की अपर लिमिट या फिर लोअर लिमिट सेट कर सकते हैं और भी चीजें जैसे कि कितने टाइम इंटरवल पे आपको डेटा चाहिए या क्या क्या डेटा रिकॉर्ड्स में आना चाहिए ये सारी चीज आप कंफिगर करवा सकते हैं नेक्स्ट बात करते हैं कि कैसे आपके वेबसाइट पे आपका पीसी या फिर फोन में डेटा ले सकते हैं सबसे पहले आप डिवाइस लिस्ट में जाके आपको जिस भी प्रोडक्ट का डेटा चाहिए उसे सिलेक्ट करना रहता है आफ्टर सिलेक्शन मेनू में आपको डेटा चार्ट का ऑप्शन मिल जाएगा यहीं से आप पी या फिर एक्सेल में डेटा एक्सपोर्ट कर सकते हैं एडवांटेजेस की बात करें तो आप आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से डेटा को फिल्टर भी करवा सकते हैं और काफी सारे ऑप्शंस जैसे कि डिवाइस शेयरिंग डिवाइस ट्रांसफर जैसे ऑप्शन आपको ये प्लेटफॉर्म पे मिल जाएंगे जैसे कि हमने देखा कि ये वाले प्लेटफॉर्म में आपको नोटिफिकेशन डायरेक्टली अपने मोबाइल में या फिर मेल आईडी पे भेजने का ऑप्शन मिल जाता है सो so बेसिकली कुछ हद तक मेल पे तो ये नोटिफिकेशन आप फ्री में भेज पाएंगे बट अगर मोबाइल पे वाया एस एम एस आप नोटिफिकेशन चाहे तो उसके लिए टॉपअप करना रहता है इनिशियली आप फाइव मैसेजेस फ्री में भेज पाएंगे और अगर आपको रोज मैसेजेस पे नोटिफिकेशन चाहिए तो उसके चार्जेस रहेंगे लेकिन चार्जेस भी काफी ज्यादा नॉमिनल रहने वाले हैं ये वाले प्लेटफॉर्म में एक इंटरेस्टिंग ऑप्शन आपको ये भी मिल जाएगा कि आप आपके जो भी डिवाइस रजिस्टर किए हैं उसके डेटा को बैकअप में भी ले सकते हैं आप बैकअप स्केड्यूल कर सकते हैं जिसमें कि आप स्केड्यूल फ्रीक्वेंसी वंस वीक और वन वन सेट कर सकते हैं और आपका डिजायर मेल आईडी डाल सकते हैं और वहां पे भी डेटा स्टोर करवा सकते हैं नेक्स्ट बात करते हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की इमेजिन कीजिए आपके मल्टीपल कंटेनर्स घूम रहे हैं लेकिन उसमें से कुछ रेगुलर मेडिसिन लेके जाते हैं कुछ रेगुलर सी फूड लेके जाते हैं तो आप क्या कर सकते हैं कि प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग डिवाइसेस सेग्रीगेट कर सकते हैं जैसे कि आप अगर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में जाके न्यू प्रोजेक्ट ऐड करवा सकते हैं एंड आफ्टर नेमिंग इट आप उसमें पर्टिकुलर डिवाइस ऐड करवा सकते हैं जिससे कि आपको डेटा फिल्टर करने में काफी आसानी हो सकती है सिमिलरली अगर थोड़ा और एडवांस ऑप्शन में जाना है तो आप ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट में जा सकते हैं

एफ डी अप्रूव डेटा जनरेट करवा सकते हैं जिसमें आपके इलेक्ट्रॉनिक्स रेकॉर्ड अलोंग विद द इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर आप डाउनलोड करवा सकते हैं एफ डी ए डेटा डाउनलोड करने के लिए दो मेन चीज आपको ध्यान में रखनी है कि पहले आप जो भी डिवाइस करवा रहे हैं वो एफ डी ए कंप्लाइड होना चाहिए एंड सेकेंडली आपको प्रॉपर इंफॉर्मेशन डालना रहता है एज पर शोन इन मैनुअल टू गेट दैलिड एफ डी ए रिपोर्ट सो दिस वॉज ऑल अबाउट द आई क्लाउड सॉफ्टवेयर फ्रॉम एल Hope you like this video. Thank you so much for watching. If you found this video helpful, don't forget to like, share, and subscribe for more product overviews and tech tips. See you all in my next video. Thank you so much.